मैं श्रुति और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और सर्वप्रथम हमारे दर्शकों को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब विस्तार से खबरों का आज का जायजा लेते हैं। सोनभद्र के सोन नदी के तट पर गुप्त काशी के नाम से विख्यात सोमेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का लगा तांता। सावन के पहले सोमवार पर बाबा सोमेश्वर महादेव का जयकारा लगाते हुए सोन नदी का पवित्र जल लेकर सोमेश्वर बाबा के दर्शन करते हुए डाला दमदम गुफा भूतेश्वर महादेव को जल अर्पित करने के लिए आते हैं कांवर। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष राजेश अग्रहरि ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगातार पिछले 4 वर्षों से सोमेश्वर महादेव में बाबा के भक्तों का मेला लगा रहता है। हर हर महादेव, जय गुप्त काशी। निश्चित रूप से आज सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले पूरा हिंदुस्तान शिवमय हो गया है। इसी के निमित्त काशी से दक्षिण यह गुप्त काशी का जो पावन धाम है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है और यहाँ पे पूरा सोनांचल, पूरा दक्षिणांचल, यह पूरा अपना जनपद और खास करके यह सोनपट का स्थल यह पूरी तरह से शिवमय हो गया है। आजमगढ़ में पंकज उम्र 30 वर्ष ग्राम चक मुनवर सरायमीर को काफी दिनों से पेशाब की थैली में काफी दर्द हो रहा था। सोनोग्राफी के माध्यम से पता चला कि यह पथरी है। शाम को पंकज फैजी नर्सिंग होम में एडमिट हुआ। उसके बाद डॉक्टर महफूज आलम की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन करके लगभग 250 ग्राम वजन की 2 पथरी को बाहर निकाला। इतने बड़े ऑपरेशन का सफल इलाज करने का क्षेत्रीय लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सफल ऑपरेशन को लेकर अस्पताल के मालिक डॉक्टर इरफान अहमद ने संयुक्त टीम को बधाई दी। अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा विराम। नाम अनन्या शुक्ला उर्फ सौम्या, जिनकी उम्र 15 वर्ष है। पिता का नाम श्री मनोज शुक्ला है। पता SN यादव, निकट फ्रेजर स्कूल, लाइन बाजार, जौनपुर, थाना लाइन बाजार, जौनपुर। इनका हुलिया गेहुआ रंग, लंबा चेहरा, नाक कान औसतन है। इनकी लंबाई 5'3" है और इनका पहनावा सूट सलवार चप्पल व स्कूल बैग के साथ है। सूचना समाप्त। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आगरा में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पूर्व सैनिक ने दिया DM को ज्ञापन और कहा कि लौस नायक सत्यवीर ने कारगिल युद्ध में 13 जून 1999 में अपनी वीरता का परिचय दिया, जो उनके पैर में गोली से प्रदर्शित होता है। कारगिल युद्ध के शहीदों में घायलों को भारत सरकार ने गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप अवरक्त कराए थे, लेकिन आज 11 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकारी आदेशों का पालन नहीं हुआ। लोकनायक सत्यवीर को आज तक पेट्रोल पंप नहीं मिला। वह जवान अपने पैरों में चोट लेकर के चलते हुए जूस का ठेला लगाता है तथा जूठे बर्तन धोता है। आज से 19 साल पहले कारगिल युद्ध में जो बार डिसेबल्ड हुआ था और उसको जो निहित सुविधाएं हैं, निहित उसकी जो उसको जो भी उसको जो सुविधाएं देनी चाहिए गवर्नमेंट को, वो आज तक उसको नहीं दी गई है। उस किसी एक देश के नेता ने उसको पैसा दे के, लालच दे के उसका पेट्रोल पंप ले लिया और उसको ये कह दिया कि आप पेट्रोल छोड़ दो, बाकी सुविधा मैं दिला दूंगा। उसको आज तक न सुविधा मिली न पेट्रोल पंप मिला। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या निर्णय आगा? हमारा ये निर्णय है कि यदि हमारी मांगे नहीं हुई तो अमर ज्योति दिल्ली गेट पर है, उस पर आमरण आंदोलन शुरू कर देगा हमारा संघ। और अयोध्या सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दयालपुर भीखमपुर में हुई मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। 14 वर्ष के बालक ने 2 वर्ष की बच्ची से किया बलात्कार। कोतवाली पुलिस पकड़े गए 14 वर्षीय अमन से पूछताछ में लगी है। वही पीड़ित बच्ची के परिजनों ने आरोपी लड़के के परिजनों के भी चरित्र को ठीक नहीं बताया। फिलहाल मुकदमा दर्ज किए जाने की तैयारियां चल रही है। मीडिया से बात करते हैं मोहम्मद अकरम। मुझे शाम के तहत पता चला कि अमन नाम के लड़के ने रेप करने की कोशिश की है। जैसे ही मामला ये पता चला, मैं लोगों को सहायता के लिए पुलिस थाने कोतवाली लेकर और यह आया हुआ हूँ। घटना स्थल पर आपने क्या देखा? घटना स्थल पर मैंने ये देखा कि बच्ची मतलब कि दर्द से चिल्ला रही थी और यही देख के मैं तुरंत इन लोगों को लेके आया सहायता के क्या लिए। ब्लड मीडिया से बात करते पीड़िता की दादी। ये जो जया के साथ घटना हुई, क्या मामला है?
बलात्कार किया। किसने किया है? अमन ने। अमन ने कहाँ निवासी है? उन्हीं के द्वारे से है। बीकमपुर दयालपुर के निवासी है। घटना कब की है? कल 5 बजे। कल शाम 5 बजे। सनीचर के 5 बजे। मीडिया से बात करती पीड़िता की माँ। लड़की बार बाथरूम करने आई थी, नाक पकड़ के घसीट के। लड़की का नाम क्या है? जया। कितने साल की है? 2 साल 2 महीने की। किसने घर से खींच लिया? अमन ने। अमन कहाँ निवासी है? दयालपुर बीकमपुर। खबरों का सिलसिला अभी आगे और भी जारी रहेगा, लेकिन आप बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।